हेलो, जय श्री कृष्णा हमारे प्यारे भक्तों। तो आज हम आपके लिए न्यू वीडियो लेके आए हैं देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष में देवउठनी एकादशी है, जो कि पापों का नाश करने वाली है। इसका बहुत ही महत्व है, ध्यान पूर्वक सुने। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकरों चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, परंतु एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। हे अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अत्यंत हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा के कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होगा। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लो। राजा एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दंड इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर अपने विमान पर बैठकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा, व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो, जिससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। यह थी देवउठनी की व्रत कथा। सो फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।